भारतीय संस्कृति निधि गोरखपुर द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गुरुवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में गोरखपुर परिक्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं तथा चुनौतियों के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इतिहासकार प्रोफेसर राजवंत राव ने क्षेत्र में विरासत की उपलब्धता संबंध की जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र का बहुत पुराना इतिहास एवं संस्कृति है जो कि अनदेखी है। इंटेक किस दिशा में प्रयत्नशील है जिसके नतीजे अवश्य आएंगे। संगोष्ठी में प्रोफेसर राजवंत राव, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा, आचार्य धर्मेंद्र जैन, लालमणि तिवारी, सिराज वजीर, डॉक्टर मुमताज खान सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। और पर्यटक आकर्षित, जगह जगह में देखा कि जो है स्कूल के बच्चों द्वारा फिर मैं थोड़ा तलाशना शुरू किया तो ये हुआ कि एक सोशल वर्क होता है, आपकी संभावना बहुत ही अच्छी है। हर स्टूडेंट को 2 महीने देगा जो मेडिकल, जो हॉस्पिटल का जो सुपरिटेंडेंट होगा या प्रिंसिपल होगा। 3 महीने में प्रत्येक बच्चे का कैसे काम है उस पर मार्किंग होती है और मार्किंग का प्रिंसिपल करता है, लेकिन वही लोग उनका वर्कलोड डिसाइड करते हैं। यदि सदर हॉस्पिटल के जो सीएमओ हैं वो उनका नंबर दें या पर्यटन स्थलों पर रामगढ़ ताल की सफाई में उनको लगाया जाए, थोड़े चौड़े हुए उसमें कुछ चौराहा के चौड़ीकरण में हमारे गोरखपुर के सुधी जन कोई स्कूल, कोई लोक नागरिक समाज या कोई संगठन ले ले, केवल सरकार को देखने में तो हम सरकार बड़ी चीज है, सरकार कर सकती है, लेकिन जो सरकार करे उसको मेंटेन करना हमारा ही काम। अच्छा, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, युवकों की जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो मित्रों इतना बड़ा गोरखनाथ परिसर है, मंदिर है, लेकिन उसमें वॉशरूम नहीं। अब शायद बन रहा है या बनने की बात है, वॉशरूम होना चाहिए। इतना बड़ा कुसमी जंगल है, वहां लोग एक टूरिज्म विभाग ही उसको टेंट के लिए वो बुकिंग कर सकता है और वहां एक भी वॉशरूम नहीं है। रामगढ़ ताल में जो वॉशरूम बन रहे हैं उनकी, तो हमारा भी हमारी भी जिम्मेदारी है कि उन्हें ठीक से रखें और इससे गोरखपुर का विकास, क्योंकि पर्यटन पर्यटक आना चाहते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हमारे पास कोई चीज होना चाहिए। जैसे गीता प्रेस की बहुत विकट संभावना है, बहुत विकट चुनौती है वहां की कनेक्टिविटी, लेकिन रामगढ़ उसमी जंगल कुशीनगर को बहुत ही बढ़िया विकसित किया सकता है, क्योंकि उसके पास लैंड है, पार्किंग की व्यवस्था है, अभी इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है, सरकार को नागरिक समाज को बहुत दिक्कतों का सामना उन्हें विकसित करने में नहीं रहेगा, नहीं लगेगा। तो मित्रों, जैसा कि हमारे मित्र हर्ष जी ने भी कहा कि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं सरकार और जनप्रतिनिधियों को वो कनेक्टिविटी गोरखपुर परिक्षेत्र की बेहतर करें, वॉशरूम या इस तरह की चीजें बनाएं, लेकिन सफाई उसके रख रखाव की व्यवस्था हम स्वयं ठीक कर सकते हैं। और खास तौर से जो सफाई की व्यवस्था है उसे हमें थोड़ा सा अपने हाथ में भी लेना पड़ेगा।